हाय व्यूअर्स, अपने एक नए वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। इंट्रोडक्शन टू पीएचपी सीरीज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो टॉपिक कवर किया था वो था सिंपल इफ। अब जैसे ये प्रोग्राम है, इसको हमने अगर हमने एक प्रोग्राम का सिनेरियो था कि आपने एक नंबर देना है और प्रोग्राम ये बताएगा कि वो नंबर इवन है या ऑड है। तो अगर हम सिंपल इफ़ यूज़ करते हैं तो हमको दोनों दफ़ा जो है ना यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंडीशन जो है ना वो अप्लाई करनी पड़ रही है। मीन के अगर तो n को 2 पे डिवाइड किया जाए उनका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है तो हम कहते हैं कि वो नंबर इज इवन है। फिर हम कहते हैं इफ़ अगर वो नंबर को 2 पे डिवाइड किया जाता है और उसका रिमाइंडर ज़ीरो के बराबर नहीं आता। अब देखें ना, किसी भी नंबर को अगर हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो उसके रिमाइंडर के पॉसिबल जो चांसेस हैं वो दो ही होते हैं, या 1 होगा या वो 2 हो सकता है, सॉरी या 0 होगा या 1 होगा, 2 नहीं आ सकता, या 0 होगा या 1 होगा। अगर 0 आ जाएगा तो वो हम कह देंगे इवन है, और अगर 0 नहीं आएगा तो हम कह देंगे वो क्या कहते हैं, वो ऑड है। इसकी जगह पे अगर हम यहाँ पे यहाँ पे 2, मैं इसकी जगह पे यहाँ पे 1 भी लिख दूंगा तो ये प्रोग्राम जो है ना सेम रिजल्ट जो है ना आपको शो करेगा। ये देखिए, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि अब इस प्रोग्राम के अंदर हमें दो दफ़ा कंडीशन अप्लाई करनी पड़ रही है। अब जितनी दफ़ा आप कंडीशन अप्लाई करेंगे प्रोग्राम की स्पीड जो है ना वो स्लो हो जाएगी, उसको चेकिंग बार बार करनी पड़ेगी। तो इसकी बजाय हम एक दूसरा सिनेरियो जो होता है उसके लिए हम दूसरा सिनेरियो जिसे कहते हैं इफ एल्स, वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं एक नया प्रोग्राम यहाँ पर ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं कहता हूँ देखिए PHP, और यहाँ पर मैं कहता हूँ इफ क्या जी 1 है तो वो लिख देगा इको ट्रू, और नहीं तो एल्स है तो इको वो कर देगा डबल कोट के अंदर, इसको भी डबल कोट के अंदर लिख देंगे तो यहाँ पे वो लिख देगा ट्रू नहीं है तो वो फॉल्स, और यहाँ पे सिंगल कोट बंद कर देंगे। इसको मैं सेव करता हूँ 04.php के नेम से, इसको रन करते हैं जी, कंपाइल करते हैं 04.php। अब देखिए ये ट्रू आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे 1 लिखा है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ तो अब ये कंडीशन फॉल्स होगी। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली इसमें चल जाएगा एल्स पे चल जाएगा। तो अब इसको देख चेक करते हैं, ये देख, अब इसमें हमें क्या है कि कंडीशन एक ही दफ़ा लिखनी पड़ रही है और दूसरी दफ़ा एल्स जो है ना वो ऑटोमेटिकली आपका जो है ना वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर इसी प्रोग्राम पे अगर हम आते हैं, हमने एक वैल्यू दी है, हम कहते हैं कि अगर उसको 2 पे डिवाइड किया जाए और उसका रिमाइंडर अगर 0 हो जाता है तो वो इवन है, लेकिन अगर 0 नहीं आता तो वो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एल्स को अप्लाई जो है ना वो कर लेंगे, उसको सेव करते हैं। तो इसको अगर मैं यहाँ पर जाके 3 को करता हूँ, ये देखिए 11 नंबर इज ऑड। अब इस नंबर को मैं अगर यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, 12 करता हूँ, तो अब जब 12 को 2 पे डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर के बराबर आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो ये क्या देगा, नंबर इज इवन। अच्छा, इसी तरह हम एक और सिनेरियो देखते हैं। हम कहते हैं कि हम कोई वेरिएबल देंगे और वेरिएबल को कोई वैल्यू देंगे, हम कहना चाहते हैं कि वो जो वैल्यू है ना वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब पॉजिटिव वैल्यू कौन सी होती है, वो पॉजिटिव वैल्यू ऐसी होती है जो 0 से बड़ी होती हैं, और नेगेटिव वैल्यू कौन सी होती हैं जो 0 से कम होती हैं। इस तरह के कई सिनेरियो बन सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अगर तो n इज़ लेस देन 0 है, n की वैल्यू 0 से कम है, तो मैं कह दूँगा जी नंबर इज़ नेगेटिव, नहीं तो नंबर इसके आ जाएगा पॉजिटिव। अब जैसे मैंने 12, ये मेरा पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पे 12 जो है ना वो 12 इज़ लेस देन 0 तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये एल्स स्टेटमेंट पे मूव कर जाएगा, देखिए नंबर इज़ पॉजिटिव। बट अगर मैं इसको वैल्यू -12 दे देता हूँ तो ये देखिए नंबर इज़ नेगेटिव। मीन के अगर आपके नंबर 0 से बड़ा है तो वो नंबर पॉजिटिव में आ जाएगा,
बट अगर वो आपका नंबर जो है ना वो ज़ीरो से छोटा है तो वो नंबर जो है ना वो किस में आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो ओके बाय।